पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है। जहां पेट्रोल शतक मार चुका है तो वहीं डीजल अब एक बार फिर शतक की ओर बढ़ रहा है। आम आदमी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान नजर आ रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच हमारे संवाददाता ने रायसेन के पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत की है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने जहां डीजल अब शतक की ओर है तो वहीं पेट्रोल पहले ही शतक मारकर आम जनता के पसीने छुड़ा चुका है। ये कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं या किसी देश का क्रिकेट टूर्नामेंट के शतक की बात नहीं है, ये हो रही है डीजल पे बढ़ते हुए और पेट्रोल पे बढ़ते हुए दामों की बात। जी हाँ, डीजल 99 रुपए 26 पैसे है जिसमें आज 82 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल पे आज 87 पैसे की वृद्धि की गई है। तो ये कह सकते हैं कि डीजल अब शतक की ओर है और वहीं पेट्रोल ने शतक मार दिया है। हमारे साथ यहाँ पर एक ग्राहक मौजूद हैं जो पता यहाँ पर पेट्रोल ले रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं उनकी परेशानी। सर क्या नाम है? रामबाबू नामदेव। राम बाबू जी, पेट्रोल डीजल पेट्रोल पहले ही शतक मार चुका है, अब डीजल शतक की ओर है, इस सेंचुरी का क्या महत्व है? हम तो पेट्रोल से ना डीजल से दोनों से परेशान है साहब। इससे कोई बात थोड़ी होती है कि हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गाड़ी से नहीं जा पा रहे हैं। आज ये कंडीशन आ गई, साइकिल से जाना पड़ रहा है। लेकिन आपकी जेब, आपकी रसोई, आप पे क्या फर्क पड़ रहा है बढ़ती हुई महंगाई से? पूरा पूरा फर्क पड़ रहा है। कौन से ऐसे अब सुख से मिल रहा है हमें जिससे कि किसी आराम मिल सके हमें? किसी प्रकार से हमें आराम नहीं मिल सकता। एक और ग्राहक है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुरेश घोष। सुरेश जी, बढ़ते हुए दामों से आज फिर 87 पैसे पेट्रोल पे बढ़े हैं और 82 पैसे डीजल पे। डीजल शतक की ओर है और पेट्रोल ने तो मार ही चुका शतक, आपकी शतक का क्या है? हम बहुत परेशान है डीजल और पेट्रोल से। खेती बाड़ी में भी बहुत परेशानी आ रही है, बच्चों को भी नहीं छोड़ नहीं पा रहा है। गाड़ियां चलाना तो बहुत मुश्किल का काम है और बहुत परेशान है महंगाई से। बहुत परेशानी महंगाई है। सर आपका क्या नाम है? पेट्रोल डीजल लेने आए थे आप? चलिए सर, आप डीजल लेने आए थे, क्या नाम है आपका? विनोद महाराज। विनोद महाराज जी, कितना डीजल पर डे लग जाता है आपको? 2000 लीटर। 2000 लीटर, तो बढ़ते हुए दामों से तो कितना परेशानी हो रही है? परेशानी तो सबको ही हो रही है, अब वो तो क्या कर सकते हैं, बढ़ ही रहा है दाम तो बढ़ ही रहा है। आप कुछ उम्मीद करेंगे? उम्मीद यही है कम हो जाए डीजल पेट्रोल और का, यही उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं बढ़ते हुए दामों से आम जनता खासी परेशान है। जहां शतक डीजल शतक की ओर है वहीं पेट्रोल शतक मार चुका था, लेकिन अभी भी बढ़ते हुए दामों से आम आदमी निराश है क्योंकि ये शतक है ना जनता को हराने के लिए नहीं है, जनता के पसीने छुड़ाने के लिए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी परेशान है, बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे रसोई गैस की सिलेंडर की बात करें, सब्जी भाजी की बात करें या मीठे तेल की बात करें, खाने के सामान की बात करते हैं। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी पर खासा असर छोड़ रखा है, हर तरफ केवल परेशानी परेशानी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।